बालों को तेजी से लंबा और घना करने का इतना सस्ता और अच्छा उपाय आपको पूरे इंटरनेट पर कोई नहीं बताएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रोगानुसार में एक बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ है। जी हाँ दोस्तों, ब्यूटी पार्लर जाकर अपने बालों को सुंदर और स्वस्थ बनाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। अगर आप भी यही चाहते हैं कि आपके बाल सुंदर, स्वस्थ, घने और मजबूत हों, तो आप यहाँ बताए हुए कुछ घरेलू नुस्खों पर गौर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ घरेलू नुस्खे जिन्हें अपनाकर आप अपने बालों को स्वस्थ बना सकती हैं। हर महिला की चाहत होती है घने और लंबे बाल। इससे महिलाओं की खूबसूरती के साथ साथ उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आजकल तनाव का स्तर बढ़ने और प्रदूषण के कारण बालों के झड़ने की समस्या आम हो गई है। कुछ लोग बालों की ग्रोथ और उनके झड़ने की समस्या से छुटकारा पाने के लिए चिकित्सक से भी सलाह लेते हैं। चिकित्सकीय परामर्श के अलावा आप कुछ घरेलू उपायों से भी बालों की देखभाल कर सकते हैं। केवल इन तरीकों से आप अपने बालों को लंबा और घना कर पाएंगे, जो कि आज हम आपको बताएंगे। लेकिन इसे जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छूटे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें। नंबर एक, दोस्तों बालों का बढ़ना पूरी तरह से निर्भर करता है कि आपका खान पान कैसा है। अगर आप भोजन में पोषक तत्व तो ले रहे हैं तो बालों के बढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी। अंडा प्रोटीन और पोषक तत्वों का प्रचुर स्रोत है, जो बालों के लिए भोजन का कार्य करता है। इन्हीं पोषक तत्वों से बालों के ग्रोथ होने में मदद मिलती है। इसके लिए अंडा और एलोवेरा का हेयर मास्क लगाएं। यह अंडे से बाल बढ़ाने का तरीका बहुत ही लाभदायक है। अंडा और एलोवेरा में पोषक तत्व आपके बालों और स्कैल्प को पोषण देते हैं, जबकि एलोवेरा के एंटी एलिमेंट्री, एंटीसेप्टिक और मॉइस्चराइजिंग गुण स्कैल्प को स्वस्थ रखते हैं। इससे बाल स्वस्थ होंगे और आसानी से बढ़ेंगे। नंबर दो, दोस्तों संडे हो या मंडे, रोज खाए अंडे वाली बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन जान लें कि बालों के लिए भी अंडा बहुत ही उपयोगी होता है। अंडे में प्रोटीन, आयरन, सल्फर, वसा जैसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो बालों को झड़ने से बचाते हैं। अंडे के सफेद वाले हिस्से में थोड़ा सा जैतून का तेल मिलाकर लगाएं और ये मिश्रण तैयार कर हल्के हाथों से हफ्ते में एक बार मालिश करें। इसके बाद किसी माइल्ड शैम्पू से बालों को धोलें। बालों का झड़ना रुक जाएगा और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। नंबर तीन, करी पत्ता। जी दोस्तों, करी पत्ते में कई तरह के गुण पाए जाते हैं, जिससे सेहत को ही नहीं बल्कि बालों और स्किन को भी ढेर सारे लाभ मिलते हैं। हेयर ग्रोथ के लिए मुट्ठी भर करी पत्ते को 100 ml नारियल तेल के साथ गर्म करें, जब तक कि तेल हल्के काले रंग का ना हो जाए। जब इस तेल को ठंडा कर लें और सीसी में भर लें और हफ्ते में एक बार इस तेल से मसाज करें। नंबर चार, दोस्तों प्रदूषण और धूल की वजह से बाल बहुत ही रफ होते हैं। बालों की सही देखभाल के लिए जरूरी है कि नियमित तौर पर इसकी मसाज की जाए। जैतून के तेल से या बादाम के तेल से बालों की मसाज की जा सकती है। ठंड के मौसम में तेल में थोड़ा सा नींबू भी डाल लें और इससे बालों की हफ्ते में एक बार 15 मिनट तक मसाज करें। नंबर पाँच, दोस्तों आंवला, रीठा और शिकाकाई एक दूसरे के साथ खूबसूरती से कार्य करते हैं। इन्हें जब मिला दिया जाए तो ये चमकदार और स्वस्थ बालों का कारण बनते हैं। ये तीनों हर तरह के बालों के लिए सही और लहराते हुए चमकदार बाल, घने काले बाल देते हैं। इसके लिए एक एक चम्मच आंवला, रीठा, शिकाकाई और एलोवेरा जूस लें। 2 चम्मच तिल का तेल भी लें। सबको मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें। इसे स्कैल्प लगाएं और 1.5 घंटे के लिए रहने दें। सप्ताह में 2 बार लगाएं और धीरे धीरे बालों पर परिणाम नजर आने लगेगा।